हजारों की संख्या में आज जयपुर में नारी शक्ति की रक्षा के लिए आज नारी मैदान में मैं इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान की सह प्रभारी और इस आंदोलन को लेकर लगातार आपके बीच में जो चर्चा कर रही थी ऐसी विजय राठकर जी एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय अलका गुर्जर जी, यहाँ उपस्थित प्रदेश की हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी महिला मोर्चा की बहन पूजा जी, यहाँ उपस्थित प्रदेश की महामंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, अलका बुंदरा जी, अनीता बदेल जी, चंद्रकांता जी, रंजिता जी, बहन बावरी जी, समस्त हमारे यहाँ उपस्थित महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष बहन सुमन जी, मधु जी, मैं पीछे इसलिए नहीं देख रहा हूँ कि पीछे देखा नहीं कि मुझे सबके नाम लेने होंगे। सभी नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए और यह विशाल पांडाल में सभी मात्र शक्ति का आज जो रौद्र रूप में देख रहा हूं, मैं जरूर कह सकता हूं सिंहासन खाली करो, ये नारी शक्ति आने वाली है। ये गुंगी बारी सरकार को, इस नकारा और निकम्मी सरकार को ये जगह नहीं का, जिस प्रकार का एक बड़ा आंदोलन आपने खड़ा किया है। अरे एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी हैं जो कहते हैं कि बेटी हमारे लिए अभिशाप नहीं, बेटियां हमारे लिए अभिमान है, और इसको लेकर अनेक योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे हर महिला के मकान का प्रधानमंत्री आवास देना हो, हर घर में शौचालय देना हो, हर महिला को गैस का कनेक्शन देना हो, मुद्रा योजना में 70% लोन नारी शक्ति को देना हो। एक तरफ वो सरकार है जो CRPF है और CISF है, पहली बार महिलाओं के लिए रास्ता खोल देती हो। एक तरफ वो सरकार है जो पहली बार सैनिक स्कूलों में आजादी के बाद पहली बार बेटियों का दाखिले का रास्ता भी खोलती हो, तो दूसरी तरफ वो सरकार है जहां राजस्थान में एक नहीं अनेक दुष्कर्म की घटनाएं, मीरा पल्ला पद्मावती, कालीबाई और अमृता देवी जैसे गौरवशाली इतिहास के राजस्थान को सर्वसार अगर किसी ने किया है, ये राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने किया है। और उस अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये विशाल आंदोलन आप लोगों ने उस सरकार को चेताने का किया है। और बड़ी शर्म की बात है कि जब प्रदेश का मुखिया ये कहता हो कि दुष्कर्म के 65% मामले फर्जी पाए जाते हैं, जब प्रदेश के मुखिया का प्रिय मंत्री यह कहता हो दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, अरे मंत्री जी राजस्थान ऐसे मर्दों का प्रदेश नहीं है, राजस्थान तो उन मर्दों का प्रदेश रहा है जिन्होंने नारी की रक्षा के लिए अपने सर कलम करा दिए। आप कौन से मर्दों की बात कर रहे हो? ये इस प्रकार की बात आप लोगों के मुंह से शोभा नहीं देती, और मुझे दर्द इस बात का होता है जब एक दिव्यांग बच्ची को, महिला को उठाकर जंगलों में दुष्कर्म हो जाता, एक मुकबिर बहन के साथ दुष्कर्म हो जाता है, एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होकर उसके गले कर दिए जाते हैं, एक पति के सामने एक पत्नी का रेप हो जाता है और उसका वीडियो वायरल कर दिया जाता है, कोई बच्चियां स्कूल जाती हैं तो उनके साथ वहां दुष्कर्म हो जाता है, कोई रोटी मांगने वाली बहन पैंडेमिक कोरोना महाकाल में
उसको उठाकर उसके साथ दुष्कर्म हो जाता है, एम्बुलेंस में जा रही महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है, आईसीयू वार्ड में दुष्कर्म हो जाता है, खेत में कोई महिला सुरक्षित नहीं है, ना सड़क पर कोई महिला सुरक्षित है। आज किसी महिला के शाश्वत लूट जाती है और वो जयपुर अगर किसी अधिकारी के पास जाती है कि मेरे साथ ये हुआ है, तो भेड़िया वहां भी रिश्वत के रूप में अश्वत्थ मांग लेता है, तब मन में गुस्सा आता है कि ऐसे भेड़ियों को वही कब्रगाह बना के गाड़ देना चाहिए। मैं आप लोगों को इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं, ये 4 महीने का संघर्ष हमारे सामने है और 4 महीने बाद आपको हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये मंच ये राजस्थान की मातृशक्ति को विश्वास दिलाता है कि अगर कोई नारी शक्ति के खिलाफ तिरछी नजरों से भी देखेगा तो ऐसी सजा मिलेगी कि उसकी 7 पीढ़ियों की रूह कांप जाएगी। आज जिस प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास मातृशक्ति के लिए रहा हो, उस राजस्थान में हमारी माताओं बहनों को इस प्रकार का आंदोलन खड़ा करना पड़े, नारी टू नारायणी। और जब नारी अत्याचार के खिलाफ झंडा बुलंद कर देती है तो दुर्गा का रूप भी ले लेती है, वो काली का रूप भी ले लेती है। और इन अत्याचारों के नरसंहार के लिए आप जो पूरे प्रदेश से इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति आए हैं, मैं उन सबके दर्द को समझते हुए ये जरूर विश्वास, मैंने जब आदरणीय विजयता इस कार्यक्रम को ले रही थी तब मैंने कहा कि ये मंच पे सिर्फ मातृशक्ति रहनी चाहिए, मंच का संचालन भी नारी शक्ति करेगी, उद्बोधन भी नारी शक्ति करेगी और इस आंदोलन का नेतृत्व भी नारी शक्ति करेगी। हम भाई आपके साथ आपकी व्यवस्था में लगे रहेंगे। मैं आभार प्रकट करता हूँ जयपुर शहर की भाई अनुराधा जी का, उमा जी का, आरती जी का, प्रदेश की सभी पदाधिकारियों का, मैं जयपुर की और जी के नाम भूल गया, सभी का जनप्रतिनिधियों का और पूरे क्षेत्र से आई सभी नारी शक्ति के चरणों में वंदन करते हुए अभिनंदन करते हुए आपका यह आंदोलन इस राजस्थान से इस महिला विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का एक वीर का पत्थर साबित होगा। मैं यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।